वेलकम टू माई चैनल कंसेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड से मैं आपको फिजिक्स के कंसेप्ट समझाऊंगा और फिजिक्स कितनी आसान होती है, कितना इसे आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सभी चीज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, लगातार पूरी वीडियो को देखिए और चलिए शुरू करते इस वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के डिफिनेशन को समझेंगे, फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है उसे समझेंगे, फिजिक्स किस तरह से हमारे लाइफ से इंटरैक्ट करता है, किस तरह से हम फिजिक्स को देखते हैं, फिजिक्स के माध्यम से ही हम किसी काम को करते हैं, ये सारा चीज हम सीखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है फिजिक्स का? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नेचर और नेचर में होने वाले घटनाओं को स्टडी करते हैं। चलिए हम इसे और भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेचर में बहुत सी घटनाएं होते रहती है, जैसे तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का चलना, सनलाइट जो हमारे अर्थ पे आती है, वो सभी चीज जिसे हम लाइट चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं, और साउंड भी आपने सुना होगा, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो वाइब्रेशन के कारण क्या वहां से उत्पन्न होता है, साउंड। तो साउंड भी आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है। ग्रेविटेशन आपका आता है फिजिक्स के अंतर्गत, मोशन हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन, मास एंड एनर्जी का जो हम स्टडी करते हैं वो भी आपका आता है फिजिक्स में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज हमारे रिलेटेड है लाइफ से जो कि फिजिक्स में ही पढ़ना होता है। हम इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इंजीनियरिंग में जितने भी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल हैं और बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस सेक्टर हैं, उस सभी में हम फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बिना फिजिक्स के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा लाइफ आसान हो जाए। तो फिजिक्स कुल मिलाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, या बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब हम फिजिक्स में बात करेंगे उसके ब्रांचेस के बारे में। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उनमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के डिस्कस कर देता हूं। क्या है? पहला आता है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसमें पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं ये सभी हम पढ़ते हैं किसमें, मैकेनिक्स के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसमें हीट इंजन पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे एफिशिएंसी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, ये सभी पढ़ेंगे हम किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है। अब जब साइंस लेके पढ़िएगा, क्लास 11th 12th में जाइएगा तो आप ये सभी चीज को अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल्स में पढ़िएगा। उसके बाद आती है आपकी लाइट। लाइट या फिर उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स या फिर लाइट आपका इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में भी है, 12th में भी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे किसमें, आपका ऑप्टिक्स में या फिर लाइट में। इसमें और पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, लाइट में। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके न्यूक्लियर में कैसी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या एटम की प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, फैराडेस लॉ, ये सभी हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये ब्रांचेस की बात हो गई। अब उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।